वाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन प्रतक गुरु निस्तारे रतन रतन पदार्थ भव सागर भरियारा बाणी गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़ियारा गुरबाणी लागे तीन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम तोलक पाया तेरी भगत परे पंडार सुमंद बरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न पाई वाहिगुरु जी महला पंजवा सस वरायण नानक जियो ससुरावादी जेठो पोलू है फब्बे पास पुणे देवतन जा मैं सज्जन तू है सस वरायण नानक जियो ससुरावादी जेठो पोलू है फब्बे पास पुणे देवतन जा मैं सज्जन तू है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु सारी सत्संग जी धन धन योग सजे हुए दीवान ने बहुत ही श्रद्धा भावना के नाल हाजिरी भर के अमृतमय बाणी का रस भिन्ना कीर्तन सत्कार योग भाई साहब जी के जथे प्रभु सरवण कर जीवन के विचों समय को सफल बना रहे सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी बहुत ही सत्कार योग गुरु प्यारी गुरु सवारी सतसंग जी हो धनता दे योग हो समा होया है चल रही लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द की विचार का आराम कली की वार की पौड़ी के नाल जिहड़े दो श्लोक हैं पहले श्लोक की आपां कल विचार की है ये दूसरा श्लोक है तेरहवीं पौड़ी है राम कली राग की गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की उच्चारण की हुई अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब भी है सारे समागम पहले प्रकाश गुरपुरब न समर्पित ने लड़ीवार शब्द की विचार के नाल आप पहले प्रकाश गुरपुरब के प्रथाए शब्द की रोशनी के विच रह के रल मिल के सांझ करांगे ताकि सानू शब्द की महानता की समझ आ सके और असीं शब्द के नाल प्यार पाईए शब्द के नाल जुड़िए शब्द नू अपने जीवन का आधार बनाइए महला पंजवां धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किए हुए अमृत बचन ससवरायण नानक जीओ ससुरावादी
जेठों बहुत बोल रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सास किनू कहा, वरायण बहर ने सास अज्ञानता बेसमझी। साहब जी कहते जीव रूपी स्त्री की बड़ी वड्डी वैर ने अज्ञानता। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, समझ होनी बहुत जरूरी है। बेशक दुनिया का खेत्र होए, बेशक वो धर्म का खेत्र होए, दोनों ही खेत्रां दे विच जे समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप दोनों खेत्रां दे विच कामयाब नहीं हो सकते। सतगुरु जी ने इसे करके जिक्र किया कि यह जी अज्ञानता है ना, ये करके बड़ा बड़ा जीव नू दुख बनिया होया। ये जीव की वैर ने ससुरावादी, ससुरा की आ जेड़ा दे अध्यास शरीर का मूह है, जेड़ा शरीर को पालन वादी तो भाव है, ये झगड़ा करता शरीर को पालन लिए, ये लोड़ दी मंगता है, मैनू आ लिया के दे, मैनू आ लिया के दे। ये जेड़ा दे अध्यास है ये अज्ञानता का करके आया। आप इसे करके शरीर को सवार उत्ते सारा समा ला देंगे, ये दे अध्यास है। ससुरावादी ये शरीर का मोह जेड़ा ये झगड़ा करता, ये नवी तो नवी डिमांड करता कि मेरे वास्ते आ लैके आ, जे शरीर ना रहा तो फिर की रहना, शरीर नू सवारदा रहिंदा। ते अगली गल सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने की, जेठो पौ पौ नूं, जेठो की आ ये शरीर ने रहना नहीं, जेड़ा जम का डर है ना जी, मौत का डर, वह मुड़ मुड़ डराउंदा, मुड़ मुड़ डराउंदा। ये सारिया दारिया चीजा क्यों ने, यदा मूल की है अज्ञानता। मौत तो क्यों मनुख डरदा, अज्ञानता। जो इस गल की समझ आ गई, ज्ञान हो गया कि जन्म तो मगरों जड़ा जीवन का सफर आरंभ जन्म तो होया, इन्हें एक दिन जाके मौत ते खत्म होना, फिर डर ही नहीं रह जाता। हां इस ज्ञान ने समझ दे दी कि तू मौत आने तो पहलों पहलों अपने जीवन दे विच की करना, कि ये ना हो कि जेड़ा जीवन का कार्य करने वास्ते तू आया सी, तू वो कर ही ना पाए। ये ज्ञान ये समझ ने मौत का डर खत्म करता, मौत का डर ही नहीं रहा। साढ़े को इतिहास गवाह है, डराने वाले ने बड़े जतन किए, दास गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी के दर दरबार का सेवादार है, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब लम्मा समा, गुरद्वारा शीसगढ़ साहब जिथे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की शहादत हुई, उस स्थान पर भी सेवा गुरु साहब ने कृपा करके ली। मौत का डर खत्म हो गया, तो केवल क्या ही नहीं गुरबाणी दे विच के ज्ञान जो हो गया, समझ जो आ गई कि मौत तो एक दिन आनी है, जदों मौत की समझ आ गई मौत का डर खत्म हो गया। असं मौत को समझते नहीं, असं मौत को एक्सैप्ट नहीं कर रहे, असं मनण वास्ते तैयार नहीं, मौत सानू परवान नहीं, असं उड़ामे दिंदे हां आ रब ने की करता, आ रब ने की करता। यह तो अज्ञानता है, इनू तो अज्ञानता। सतगुरु जी कह रहे हैं हुक्मे जमण हुक्मे बण, क्योंकि तुद आपे कारण आपे करण, कोई किसी का दोष नहीं है। कारण बनना
ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਦਮੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਡੋਲੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲੇਗਾ, ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਜੰਮਣ ਹੁਕਮੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੱਲ ਕਿ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਆਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਨ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਨਾ ਅੱਜ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਖੌਟੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ,
जेड़े मर्यादा को पसंद नहीं करते गुरु घर जी बैरूपीए तैयार करके साडे च पाते ताकि असी सिख जो मानसिक तौर पर इन्ना बलवान है इनू कमजोर कर सकी ये सानू कमजोर करने वास्ते सारा कुछ सानू कमजोर करने वास्ते क्योंकि सिख बाणी दे नाल जुड़िया रहेगा ते सिख मर्यादा का धारनी बन के रहेगा इनू कोई डुला नहीं सकता इनू कोई ईन नहीं मना सकता क्यों ना होए ऐस चाल दे नाल इन्हां नू इन्ना मानसिक तौर ते कमजोर कर दिता जावे इन्हां दे विच इदां दे बैरूपीए पा दिते जाण कि जिहड़े इस तरीके दे नाल विच रह के इक घुण हुंदा ना जी सेक लगदी आ ना लकड़ी नू ते तुसीं सारे सियाणे बैठे हो जे लकड़ी नू सेक लग जांदी आ ना उहनू जदों लगदी आ पता नहीं लगदा पर उदों ही पता लगता जो हथ तवज्जे दे विचों खोल खाली हो जाती है। माफ करना गुरु प्यारियो अज कौम नूं बड़ी वड्डी सेक लगी आ तुहाडे सरूप दे रूप विच सरूप तुहाडे वर्गा ही आ बाहरों वेखण वास्ते तुहाडे वर्गे लगते ने पर वो अंदरों ही अंदर तुहानूं खोखला कर रहे ने सिखी सिधांतां नूं पर जिसका साहिब डाढ़ा होए इसको मार ना सके ये उन्होंने भुलेखा कि शायद इस तरीके दे नाल असी इन्हां नूं खोखले करके खत्म कर दांगे नहीं रहे संसार ते जिन्हां दी ये सोच रही कि असी इस पंथ नूं खत्म कर देना पर पंथ खत्म नहीं होया आप खत्म हो गए इदा की सोच लैके जो कोई चलेगा वो अपना विनाश करा लेगा पर इस पंथ का उवाल भी मंगा नहीं कर सकता पर सुचेत रहना ये मैं बेनती क्यों कर रहा गुरु प्यारियो बेशक ये पंथ गुरु ने साजिया पर सुचेत रहना बड़ा जरूरी होंदा गुरु ने कहा अज्ञान धारना जिहड़ी ये बड़ी वड्डी जीव दी वैर ने ज्ञान दा होना बहुत जरूरी आ भाई मती दास जी दे सीस ते हारा रखिया ते काजी ने कहा कि क्योंकि आरे दे दंदे बड़े तिखे ने ते मौत दे कोलों हर कोई डरदा पर जिन्हों मौत की समझ आ गई डरेगा तो उन्होंने आरंभ च बेनती की कि अज्ञानता का करके डर है जे समझ आ गई ना कि हुक्में जमण हुक्में भरना सब कोई आई वारीए जो आया सो चल से जो इस गल की समझ आ गई फिर मौत का डर कितने रह गया प्रैक्टिकल होया सीस ते आरा रखिया काजी कहन लगा मतीदास अजे बड़ी उम्र तेरी पई आ भर जवानी चढ़दी जवानी अजे तू उम्र धोखी किन्नी क्या की लैना तू गुरु दे कोल मैं तेनू विश्वास दवाउना जो मंगेगा तेनू दिता जाएगा यह विश्वास मैं दवा तेन वेखो डलाउन वाले इदा ही यतन करते ने अज ते सानू कोई यतन भी नहीं कर रहे असि खुद ही डोले फिरने डावाडोल हो फिर कदी उस दर ते ठेडे खाते फिरते कदी उस दर ते ठेडे खाते फिरते गुरबाणी के नाल असी प्यार नहीं पाते ते असी किसे दे दिते हुए मंत्रां नू रटी जा रहे हैं रटी जा रहे हैं जो मंगेगा दिता जाएगा कहिंदे ने भाई मतीदास जी उस तरह अडोल रहे फिर क्या तीन बार क्या
किसी कवि ने बड़े सोहने तरीके दे नाल इस गल नूं कलमबंद किया। काजी आखदा सुन हां मती दासा तेरी आखरी इच्छा हल हो गई। कहिंदे काजी ने कहा मती दास मरन तो पहलों पुछया जाता ना तेरी आखरी ख्वाहिश की इच्छा की है, ते कहिंदे ओ पूरी कीती जाती है। काजी दे मन विच ये सवाल है कि मौत तो डरदा कोई पदार्थ की मंग रखेगा, राजभाग की मंग रखेगा, जगीर जायदाद की मंग रखेगा, अपने जीवन की भीख मंगेगा कि मैं जीना चाहना। काजी आखदा सुन हां मती दासा तेरी आखरी इच्छा हल हो गई, जो चाहे सो तू पा सकदा ओ हाजरी उसे पालो, देर नहीं लगूगी, जो मंगेगा तेनों दिता जाएगा, आरा तेरे सिर तो चुक लिया जाएगा, तेनों जीवन दान दिता जाएगा, मांग मैं विश्वास दवाना जो मंगेगा तेनों दिता जाएगा। पर गुरु का सिख आरे तो ते वह डरे जिन्हों मौत का डर हो, जिन्हों मौत की समझ नहीं, जिन्हों मौत की समझ आ गई कि एक दिन आनी है और एक नियत समय से आनी है। कहिंदे ने यह तीन चीजा ने, एक भौं मरला जिथे व्यक्ति की मौत होनी, फिर वो समा जे समय से आनी है, जदों भौं मरला भी वह उस भौं मरले च व्यक्ति पहुंच गया। आप देखते नहीं कई व्यक्ति कभी सुनिया ही नहीं होंगे कि उस पास वह जाएंगे, उधर गए उत्थे उन्हां दी मौत हो गई, क्योंकि वह भौं मरला जिहड़ा निश्चित है जिथे जाके मौत आनी है, वह समा निश्चित है, जे समय से मौत आनी है, जदों भौं मरला तो समा दोनों निश्चित होए पूरे हो गए, तीसरा फिर उत्थे कारण बन जाना, कारण बन जाना। पर यह निश्चित है मौत ने अपने समय से आना। हुण भाई मती दास जी ने अगों जवाब दिता, काजी बड़ा प्रसन्न होया जदों भाई मती दास जी कुछ बोलन लगे ना, काजी नूं लगा कि मैं अपने मिशन विच कामयाब हो गया। ये जरूर डर गया, यह मौत तो डरदा जीवन मंगेगा, तो जीवन के निर्वाह के वास्ते पदार्थ मंगेगा। साडियां आ ही दो मंगा है ना जी, असी जीवन चाहते हाँ तो जीवन के निर्वाह लिए पदार्थ चाहते हाँ, पर जीवन जीना किदा असी यह नहीं सीखना चाहते, यह नहीं समझना चाहते, जीवन है की है यह नहीं समझना चाहते। मती दास ने आख्या सुन काजी मेरी आखिरी इच्छा हल होवे। फिर इच्छा की सी, काजी बड़ा खुश होया, बन गई गल, जदों सीस मेरे ते चले आरा मेरा मूह गुर पिंजरे वल आखो सतनाम। हां काजी तू कहना ना कि मेरी आखिरी इच्छा की है, मेरी आखिरी इच्छा कि तेरे जलाद ने मेरे सिर ते रख के आरा चलाउणा, मेरी ये इच्छा कि जदों मेरे सिर ते आरा चले ना मेरा मूह मेरे गुरु वल होना चाहिए। आखो सतनाम। आप अपने जीवन में गुरु प्यारे हो ख्याल रखा करिए, मूह तो भाव है मेरा ध्यान मेरे गुरु वल रहे, मेरा गुरु मैनू भुले ना, मेरे जीवन में मेरे गुरु की याद मेरे अंदर बनी रहे। अही आप भी अरदास यही करिया करिए कि सतगुरु जी साढ़े ते कृपा करो, तुहाडे चरणां दा प्यार जीवन में बनिया रहे, तुहाडी याद जीवन में बनी रहे। आरा रख के दो फाड़ कर दिता,
गुरु का सिख शहादत का जाम पी गया ईन नहीं मनी। दूसरा सिख रूह में लपेट दिता, अग ला दी भाई सतीदास। तीसरा सिख भाई दयाला जी। तिना सिखा शहीद किया, तिना सिखा शहीद करन दा तरीका वखरा वखरा, ते ज्यादा तो ज्यादा कष्टदायक, ज्यादा तो ज्यादा कष्टदायक। पर सिख दे अंदर गुरु की बाणी आ, गुरु की बाणी ने यह विश्वास दवाया काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेवा। कहण तो भाव अज्ञानता सब तो वड्डी जीव की वैरन है। यह साडे जीवन की अज्ञानता, अज्ञानता का करके असी मौत नूं ना जानण करके, ना समझण करके साडे सिर ते जम का डर बनिया रहिंदा, मौत का डर बनिया रहिंदा। बस यही मनुख सोचता रहिंदा, क्या जानना किन मरेंगे, कैसा मरना हो, पता नहीं किदां दी मौत आउणी है। सच्चाई नहीं आपा सारे नूं आपो अपने अंदर झात मारी, आप डरते नहीं कई बार जो मौत का जिक्र आता कि पता नहीं मौत किदां दी आउणी, किदां दा समा आएगा। मेरे साहब जी कहिंदे इस मौत दे कोलों डरना, इहनूं जीवन वास्ते खौफ ना समझ। तेनू एक मंत्र दे दिना, एक ज्ञान दे दिना, एक सिक्ख्या दे दिना, इस सिक्ख्या नू अपने जीवन विच पल्ले बन ला। जेकर साहिब मनो ना विसर सहला, मालक दी याद बनी रहे, मौत डर नहीं रह जाता। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने यह कृपा की थी कि यह अज्ञानता जीव की बड़ी वड्डी वैरन है, ते जेड़ा देह अध्यास है शरीर की पालना करना यह मंग करता है, इन्हें रहना नहीं। पर इहदा मोह जेड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने यह झगड़ा करता, इहदे लई पदार्थ मंगदा, जेठो वह बोलू ते जेड़ा जमदूत का डर है, मौत का डर है, ये बार बार सताउंदा ते बार बार डराउंदा है। फिर अगले सतगुरु जी ने इहदे तो बचण वास्ते कि हर जीव नूं यह डर बनिया होया, आपां इहदे विच सारे शामिल है। हे अकाल पुरख परमात्मा, जीव दे वास्ते आ खौफ बनिया होया, डर बनिया होया। पर नाल सतगुरु जी ने फिर अगली जिहड़ी गल कही, हब्बे भस पुणे दे वतन जा मैं सज्जन को है। हे मालक वाहिगुरु परमात्मा, जे तू मेरा सज्जन बन जे, मित्र बन जे, किहदा मित्र बनेगा, जिहड़ा उहदे नाल मित्रता पाएगा। मित्र ता साडी उत्थे बनदी आ ना जी, जिथे असीं एक दूजे दे नेड़े हुंदे आ, प्यार करदे आ, जारी दोस्ती आपां संबंध बनाउने आ। साहब जी कहिंदे जे तू इह जीव दा मित्र बण जे ना, ते इह जिन्ने वी विकार ने, जिन्ना वी डर है, जिन्नी वी अज्ञानता है, कहिंदे इह जो मर्जी अपना ताण ला ले, जिहदा मित्र तू बन गया उहनू फिर मौत दा डर सताउंदा नहीं। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी जिन्हां ने अमृत बाणी नूं इकत्तर करके रामसर साहिब वाले पावन स्थान ते भाई गुरदास साहिब जी दे घर कमलों दे नाल बार तरतीब राग बार तरतीब गुरु साहिब दी बाणी, भरत साहिबानां दी बाणी, भट्ट साहिबानां दी बाणी, गुरु दे सिखां दी बाणी
एक जगह एकत्र करके आदबीर साहब जी की संपादना करके आदबीर साहब की संपूर्णता हुई। इस सारी बाणी जो आदबीर साहब ग्रंथ तैयार होया, क्योंकि उदों शब्द नूं रस्मी तौर पर गुरियाई नहीं मिली, पर शब्द की प्रधानता गुरु नानक साहब पातशाह जी के समय तो ही रही है। जदों आपां गुरु नानक साहब पातशाह जी की सिद्धां दे नाल चर्चा पढ़ते हैं तो गुरु नानक साहब पातशाह जी ने जो विचार चर्चा की ना सिद्धां दे नाल, बा कमाल दलीलां ने गुरु नानक साहब पातशाह जी दियां, सिद्धां नूं निरुत्तर कर दिता। ते फिर उन्होंने सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह जी दियां ये दलीलां नूं सुन के कायल हो गए गुरु नानक साहब पातशाह जी दे। ते उन्होंने पंथ दे विच शरीर का गुरु होना मन्या गया। गुरु नानक साहब पातशाह जी नूं फिर उन्होंने पूछया, पहली तो गल ये जीवन दी बारे पूछया, कवन मूल कवन मत मेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, ये जीवन का मूल की है, ये जिहड़ा जीवन का समा है किस वास्ते मिलिया, किहड़ी मत लैण वास्ते मिलिया, तेरा गुरु कौन है ते तू चेला की। फिर गुरु नानक साहब पातशाह जी ने उन्हां सिद्धां नूं जवाब दिता, पवन आरंभ सतगुर मत मेला, शब्द गुरु सुरत तो चेला। पवन तो भाव है प्राण, यह जीवन का मूल है। सवाल जी चलते हैं ना जी, तो इस जीवन के सतगुर मत मेला गुरु की मत लैण का यह समा है। यह जो मनुखा जन्म है ना जी, ये गुरु की मत लैण का समा। तो जदों गुरु चेले की गल पुछी तो साहब जी ने कहा शब्द गुरु, मेरा गुरु शब्द है, क्योंकि शब्द जिद्दी सिद्ध मंडली, मेरा गुरु शब्द है, तो शब्द दे विच सुरत का टका, मेरी सुरत शब्द गुरु दा चेला है। गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी शब्द गुरु की प्रधानता दसी, जो आवाज दिती आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार है। ये बाणी जो जियो जाने ते अंतर रवे। गुरु रामदास पातशाह जी ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम, बाणी गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया राम। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी ने हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख न मन ते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे, खिन गुर गम हर दम न जम हर कंठ नानक भाव के। गुरु ज्योत ने भी शब्द की प्रधानता रखी। आदबीर साहब जी का अज पहला प्रकाश श्री हरिमंदर साहब जी के विच होया। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी ने आप संगत विच बैठे ने ते ए सेवा दिती अपने प्यारे सिख बाबा बुढ़ा साहब जी ने। ये पहला प्रकाश आप इस करके कहने कि आदबीर साहब जी का पहला प्रकाश होया। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी के आप तीन गुरपुरब मनाने, एक पहला प्रकाश गुरपुरब, एक संपूर्णता दिवस जिहड़ा
दमदमा साहब तलवंडी साबो की गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भाई मनी सिंह जी के कोलों सारी गुरबाणी गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी की गुरबाणी तरतीब वार दर्ज करवाया। तीसरा सचखंड श्री नदेड़ की धरती से गुरता गद्दी दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी दिवस जदों सतगुरु जी ने कहा आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश गुरपुरब समुचे संसार विच गुरु नानक नाम लेवा संगतां मना रही ने। अज दे दीवान सतगुरु जी के पहले प्रकाश गुरपुरब को समर्पित ने। सतगुरु जी कृपा करन असी शब्द गुरु के पुजारी बनीए शब्द के नाल प्यार पाईए शब्द के नाल प्रीत पाईए क्योंकि गुरु नानक साहब पातशाह जी ने भी कहा शब्द गुरु ते गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ओ शब्द नूं गुरियाई दे दित्ती ते साडे वास्ते हुक्म कर दिता कि सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सतगुरां जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब दीआं लख लख वधाईआं भुल चुक दी खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।